जब स्टेट ऑफ इसराइल क्रिएट हो रहा था तो यूएसए का एक स्टांस था कि स्टेट ऑफ इसराइल पॉसिबल नहीं है, इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा कंट्री क्रिएट हो पाए उसे खा जाएंगे वो सारे कंट्रीज। लेकिन समय की फेर का कॉन्ट्रास्ट कुछ यूं है कि आज यूएसए अच्छा खासा डिपेंड करता है इसराइल की ही एजेंसी मोसाद के ऊपर, और मल्टीपल ओकेशंस पे मोसाद ने यूएसए को बचाया भी है। 2012 में ईरानियन साइंटिस्ट की कंट्रोवर्शियल डेथ हो रही थी, और उन साइंटिस्ट की जो न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर वेपन्स में एक्सपर्ट थे, कुछ चीजें यूएसए के लिए करना उनके एजेंट्स के लिए करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एजेंट्स को भी ये पता होता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर हम रशिया में पकड़े गए या कहीं और पकड़े गए, चांसेस रहते हैं कि रशिया और यूएसए पे इसमें बात करके एजेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे या कहीं और बात पे एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन मोसाद के जो एजेंट्स होते हैं उन्हें खुद पता होता है कि भाई अगर पकड़े गए तो दैट इज इट, खत्म, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। और फिर भी वो लोग एजेंट बनते थे फॉर द लव ऑफ इसराइल, फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री। धीरे धीरे यूएसए को भी रियलाइज हो गया कि ऐसे एजेंट्स मोसाद को ही मिल सकते हैं और इंडिया जैसे कंट्री को मिल सकते हैं जहां लव फॉर द कंट्री बहुत हाई पीक पे है।